हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, अभी देखो मैं छत पे आया था ना, मैं ये देखने के लिए कि हमारी, मैंने नीचे से देखा ना, हमारी दो कबूतर बाहर बैठी थी। मैं अचानक से देखा यार, ये कैसे कबूतर अभी तक बाहर है, जबकि मैंने आज सुबह से कबूतर को ही नहीं खेला यार। मैंने अभी तक सुबह से कबूतर को नहीं खोला हूँ, मैं अभी मतलब सो करके आया हूँ। मैंने सुबह कबूतरों को बच्चों से दाना पानी सब कुछ डलवा दिया था पूरे अच्छी तरह से, बट ये अभी दो कबूतर हमारी बाहर है भाई। मैंने इनको खोला भी नहीं है। मुझे लगता है कल से ये कबूतर हमारी बाहर है, क्योंकि कल मैंने सारी कबूतर को एक बार उड़ाया था ना, तो एक दो कबूतर मुझे लगता है शाम के टाइम बाहर ही रह गई थी और मैंने इनको देखा भी नहीं था। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इन कबूतरों को यहीं पर रहने देते हैं। तो अभी हम शाम के जो अभी और शाम हो जाएगी, अभी देख लो धूप बहुत तेज़ लग रही है। अभी कुछ टाइम के बाद हम कबूतरों को खोलेंगे तो ये सारी कबूतर इसमें अंदर चली जाएंगी खुद ब खुद। और गाइस ये देखो, हमने देखो मुखी कबूतर का जोड़ लगाने के लिए उसमें एक मादी को बंद किया था, वो देखो वो रेड वाली है। तो भाई अभी देखो वहाँ पे ना मुखी अपने जोड़ा लग चुका है उससे। तो अभी हम इनको ना इसमें अपने बड़े वाले लॉफ्ट में भी इनको हम डाल देंगे। ये जो है ना, ये वाला लॉफ्ट भाई जोड़ा लगाने के लिए एक नंबर काम कर रहा है भाई, बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी हम इनको भी शाम को इसमें डाल देंगे और उसकी मादी को हम इसमें रख देंगे। और गाइस ये देखो हमारे चूजों को, ये देख लो माशाल्लाह कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ये देखो काट भी रहे यार, ऐसे ये गर्दन को अपनी बाहर निकालते हैं ना तो कैट आते हैं इनकी गर्दन को ऐसे पकड़ करके मार देती है। अभी हमारे पास ये सिर्फ 10 बचे हैं और ये 10 जितने भी बचे हैं बहुत ही बड़े हो चुके हैं, बहुत ही हेल्थी भी हैं और बहुत तेज बढ़ भी रहे हैं। ये कुछ दिन में और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी हम अंदर से इनको आपको दिखा देते हैं इन सारों को। आज भाई एक मर गया था, सुबह को मैं आया था ना, मतलब बच्चे बता रहे थे कि एक मर गया है, तो मुझे ला करके दिखाए थे, हमने उसको गड़वा दिया था वहाँ पे। इनका तो अभी पेट ज़्यादा भरा नहीं, इनको भी कुछ ला करके खिलाना पड़ेगा। कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 बच्चे बच्चे हैं भाई। और अभी अपने कबूतरों के बच्चों को भी देख लेते हैं। ये क्या भाई, आज देख लो हमने सारी कबूतरों को बच्चों को है ना यहाँ पे चेचक वाली दवा लगा दी थी सारी कबूतरों को। ये देखो अभी इनकी जो चेचक है ना, ये कुछ दिन में सूख जाएगी। हमने सारी कबूतर के बच्चों को लगा दी थी दवा, अभी सारे कबूतर के बच्चे की दवा एक हफ्ते में मतलब काम करेगी। ये दवा धीरे धीरे काम करती है ना, चेचक की दवा बहुत धीरे धीरे सुखाती है इनको, तो ये सारे बच्चे हैं बिल्कुल जो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से भाई चेचक निकली पड़ी है यार, बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख करके। ये देख रहे हो सिर्फ मच्छर की वजह से होता है, मुझे रात को इसमें कुछ, अरे ये क्या, ओ भाई ये क्या हो गया, ये कैसे बच्चा मर गया हमारा, हटो यार तुम लोग। तो भाई यार ये देखो हमें एक बैड न्यूज भी मिल गई यार आते ही। ये देख रहे हो हमारे एक कबूतर का बच्चा जो कि मर चुका है, इसको भी चेचक हुई थी और इसको मुझे लगता है कोई बीमारी भी थी, क्योंकि मैंने इसको परसों मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे दिया था, मुझे लगा ये बिल्कुल अच्छा हो गया है, बट गाइस ये तो मर गया। और ये बहुत ही प्यारा बच्चा था भाई, इधर से देखो पूरा पनछप्पा था, क्या ही अच्छा लग रहा था। शिट यार ये एक बच्चा मर गया। और ये क्या, इसको क्या हो गया, ये सब हो क्या रहा है भाई, ये देख रहे हो गाइस दो दो कबूतर हमारी मर गई अभी हमारे सामने यार, मैंने सोचा भी नहीं था यार ये हो जाएगा। अभी देख लो इसकी आग भी फूट चुकी है, ये सब हो क्या रहा है भाई। ये देखो इसको चोट लग गई थी ना, इसको चोट लग गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे देखो पट्टी बांध दी थी इसके पैर में, अभी यहाँ पे तागे से मेरे वजह से इसको चोट भी लग गई थी। मैं लॉक को साफ कर रहा था तभी इसको फावड़े से चोट लग गई थी, बट मुझे लगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने इसको पैर से यहाँ पे बांध दिया था इसको और मैंने मरहम पट्टी भी लगा दी थी, पर कटने से तो नहीं मरते यार, ये सब हो क्या रहा है भाई हमारे साथ। ये देखो भाई दो दो कबूतर हमारी मर चुकी हैं, बहुत ही बुरी न्यूज़ है यार हमारे लिए। हालांकि ये दोनों, एक बच्चा था और एक पट्टा हो चुका था। चलो यार इनको भी हम बाहर रख देते हैं। और देख लो अभी कबूतर भी बहुत ज़्यादा कम लग रही है अभी हमें, तो अभी हमें और ज़्यादा तब कबूतर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी कबूतर तो ऐसे ही कम हो जा रही। अरे ये क्या, इसको क्या हो गया गाइस, देख रहे हो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तीन तीन कबूतर। शिट यार इसको कैसे ये हो गया भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं सर चकराने लग गया यार। तीन तीन कबूतर मर गई यार हमारी, तीन तीन कबूतर भाई। और ये वाली जो है ना ये फीमेल थी और अभी इसने अंडे भी दिलवाने थे यार, इसको अंडे देने थे, ये तो जोड़ लगी थी इस वाले कबूतर से।
ये कैसे मर गई, इसकी भी आंख देख लो फूटी पड़ी है। भाई यार ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तीन तीन कबूतर और एक बार देख लूं, और तो कोई नहीं मरी भाई। मतलब अब हमारे कबूतर के दरबे की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अभी इसमें फूल बीमारी हल चुकी है, अभी हम सब कुछ इसमें ठीक करना पड़ेगा, मेडिसिन सारी कबूतर को देना पड़ेगा। तो भाई आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमारे साथ। हटो यार तुम लोग क्या नोच रहे हो। अभी गाइस मैं इसको आपको बाहर निकाल करके अच्छी तरह से इसको दिखा देता हूँ। बहुत ही बुरा लग रहा है यार। भाई ये फील ना, ये कबूतर लवर ही इसको पहचान सकता है कि आपकी एक एक साथ तीन तीन कबूतर मर जाते तो आपको कैसा लगता है। भाई बहुत ही बुरा लगता है, ये देख लो जिस तरह मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अभी मेरा तो सर चक्कर आने लगा भाई ये देखकर। तो भाई अभी हम क्या भी कर सकते हैं यार इनका, अभी हम इनको भी गाड़ देते हैं ले जा कर के। यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे भाई, कसम से मैं क्या ही बताऊँ। अभी भाई मेरा बिल्कुल दिमाग ठंड हो चुका है। अभी मुझे कबूतरों का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इनके पास आने का, बिल्कुल मन हट चुका है भाई, क्या बताऊँ मैं। ये सब साला इतनी मुश्किल से कबूतरों को बचाओ फिर भी किसी न किसी वजह से मर जाते हैं। खैर बाकी कबूतर तो अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कबूतर भी बिल्कुल फिट लग रही है मुझे। अभी मैं इन सारी कबूतर को भाई अब खोलूँगा, अब मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे टेंशन हो रही है। अभी थोड़ा सा धूप और कम हो जाए ना, अभी मैं सारी कबूतर को बाहर खोल करके मैं इनको अच्छी तरह से देखूंगा कि इनकी क्या पोजीशन है, सब कबूतर ठीक तो है ना। नहीं तो और कोई कबूतर बीमार होकर के मर जाएगी तो भाई फिर कसम से मैं क्या बता रहा हूँ। चलो भाई तो अभी ये हम लॉफ्ट अपना बंद कर देते हैं, अभी लॉफ्ट बंद करके हम सारी कबूतर को, इन तीनों कबूतर को वहाँ पर रख देते हैं किसी उस खचोली के नीचे हम रख देते हैं इनको, कि अभी ये लोग यहाँ पर सेफ रहेंगी ना, अभी नहीं तो कैट आएगी इनको उठाकर लेकर चली जाएगी। तो अभी हम इनको गाड़ देंगे, अभी बच्चे आएंगे तो मैं इनको दे दूंगा, ये ले जा करके इनको गाड़ देंगे। तो गाइस यार अभी मुझे अर्जेंट काम पड़ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल का बटन ऑल पे सिलेक्ट जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।